नमस्ते दोस्तों, मैं उर्मिला सालुंखे विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं सातवीं कक्षा से बाल महाभारत कथा से पाठ क्रमांक 19, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। पाठ का नाम है द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। पांडव के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। पांडवों के वनवास के दिनों में कई ब्राह्मण उनके आश्रम गए थे। वहाँ से लौटकर वे हस्तिनापुर पहुँचे और धृतराष्ट्र को पांडवों के हालचाल सुनाए। धृतराष्ट्र ने जब यह सुना कि पांडव वन में बड़ी तकलीफें उठा रहे हैं तो उनके मन में चिंता होने लगी। लेकिन दुर्योधन और शकुनी कुछ और ही सोचते थे, तकलीफ यानी कष्ट। कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे, किंतु दुर्योधन को भला इतने से संतोष कहाँ होता। वह कर्ण से कहता, कर्ण मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखो। मुसीबत यानी बहुत कष्ट। इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। अनुमति यानी आज्ञा, परमिशन। कर्ण बोला, द्वैत वन में कुछ बस्तियां हैं जो हमारे अधीन है। हमारे अधीन मतलब हमारे कंट्रोल में है। हर साल उन बस्तियों में जाकर चौपाइयों, चौपाइयों मतलब पशु, चौपाइयों की गणना करना, गणना मतलब काउंटिंग करना, राजकुमारों का ही काम होता है। बहुत समय से यह प्रथा चली आ रही है, इसलिए उस बहाने हम पिताजी की अनुमति आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कर्ण अपनी बात पूरी तरह से कह भी न पाया था कि दुर्योधन और शकुनी मारे खुशी के उछल पड़े। राजकुमारों ने भी धृतराष्ट्र से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की कि वह इसकी अनुमति दे दे, किंतु धृतराष्ट्र न माने। दुर्योधन ने विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ वे सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। विवश होकर धृतराष्ट्र ने अनुमति दे दी। एक बड़ी सेना को साथ लेकर कौरव द्वैत वन के लिए रवाना हुए। दुर्योधन और कर्ण फूले नहीं समाते थे। फूले नहीं समाना बहुत खुश होना। उन्होंने पहुंचने पर अपने डेरे, डेरा यानी अस्थाई रूप से रहने का स्थान, डेरे ऐसे स्थान पर लगाए जहाँ से पांडवों का आश्रम 4 कोस की दूरी पर ही था। गंधर्व राज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ उसी जलाशय के तट पर डेरा डाले हुए थे। दुर्योधन के अनुचर, अनुचर यानी सेवक, दुर्योधन के अनुचर जलाशय के पास गए और किनारे पर तंबू गाड़ने लगे। इस पर गंधर्व राज के नौकर बहुत बिगड़े। उन्होंने बिगड़े और दुर्योधन के अनुचरों की उन्होंने खूब खबर ली। खबर लेना पिटाई करना। वे कुछ न कर सके और अपने प्राण लेकर भाग खड़े हुए। दुर्योधन को जब इस बात का पता चला तो उसके क्रोध की सीमा न रही, मतलब उसे बहुत क्रोध आया। वह अपनी सेना लेकर तालाब की ओर बढ़ा। वहाँ पहुँचना था कि गंधर्वों और कौरवों की सेना आपस में भिड़ गई, मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से लड़ाई करने लगी। घोर संग्राम छिड़ गया, संग्राम यानी युद्ध। यहाँ तक कि कर्ण जैसे महारथियों के रथ और अस्त्र चूर चूर हो गए, चूर चूर हो गए मतलब टूट गए, और वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। अकेला दुर्योधन लड़ाई के मैदान में अंत तक डटा रहा। गंधर्वराज
चित्रसेन ने उसे पकड़ लिया, फिर रस्सी से बांधकर उसको अपने रथ पर बैठा लिया और शंख बजाकर विजय घोष किया। जब युधिष्ठिर ने सुना कि दुर्योधन व उसके साथी अपमानित हुए हैं, तो उसने गंभीर स्वर में कहा, भाई भीमसेन, ये हमारे ही कुटुंबी है, कुटुंबी मतलब फैमिली मेंबर है। तुम अभी जाओ और किसी तरह अपने बंधुओं को गंधर्व के बंधन से छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन ने कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा किया। और वे गंधर्वों पर टूट पड़े। अंततः गंधर्व राज ने कौरवों को बंधन मुक्त कर दिया, अपने बंधन से मुक्त कर दिया। इस प्रकार अपमानित कौरव हस्तिनापुर लौट आए। पांडवों के वनवास के समय दुर्योधन की तो इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी, किंतु पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर के रहते उसे राजसूय यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तब ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ करके ही संतोष कर लिया। इसी समय की बात है कि महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों को साथ लेकर दुर्योधन के राजभवन में पधारे। पधारना आना। दुर्योधन के सत्कार से ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और कहा, वत्स, कोई वर चाहो तो मांग लो। दुर्योधन बोला, मुनिवर, प्रार्थना यही है कि जैसे आपने शिष्यों समेत अतिथि बनकर मुझे अनुग्रहित किया है, अनुग्रहित आभारी हूँ मैं आपका, वैसे ही वन में मेरे भाई पांडवों के यहाँ जाकर उनका भी सत्कार स्वीकार करें और फिर एक छोटे सी बात मेरे लिए करने की कृपा करें। वह यह कि आप अपने शिष्यों समेत ठीक ऐसे समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाए जब द्रौपदी पांडवों एवं उनके परिवार को भोजन करा चुकी हो और जब सभी लोग आराम से बैठे विश्राम कर रहे हो। उन्होंने दुर्योधन की प्रार्थना तुरंत मान ली। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ युधिष्ठिर के आश्रम में जा पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों समेत ऋषि की बड़ी आवभगत स्वागत सत्कार किया और उनका सत्कार किया। कुछ देर बाद मुनि ने कहा, अच्छा, हम सब अब स्नान करके आते हैं, तब तक भोजन तैयार करके रखना। कहकर दुर्वासा शिष्यों समेत नदी पर स्नान करने चले गए। वनवास के प्रारंभ में युधिष्ठिर से प्रसन्न होकर सूर्य ने उन्हें एक अक्षय पात्र प्रदान किया था, अक्षय पात्र जो कभी खाली ना हो, और कहा था कि 12 बरस तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन दिया करूँगा। इसकी विशेषता यह है कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकूँगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी, तब इस बर्तन की यह शक्ति अगले दिन के लिए लुप्त हो जाएगी, लुप्त मतलब नष्ट हो जाएगी। जिस समय दुर्वासा ऋषि आए, उस समय सभी को खिला पिला कर द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, इसलिए सूर्य का अक्षय पात्र उस दिन के लिए खाली हो चुका था। द्रौपदी बड़ी चिंतित थी, यानी परेशान हो उठी, और कोई सहारा न पाकर उसने परमात्मा की शरण ली। परमात्मा यानी ईश्वर भगवान। इतने में श्री कृष्ण कहीं से आ गए और सीधे आश्रम के रसोई घर में जाकर द्रौपदी के सामने खड़े हो गए। बोले, बहन कृष्णा, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो।
द्रौपदी और भी दुविधा में पड़ गई, दुविधा असमंजस में। कृष्ण बोले, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखिए कि उसमें कुछ है भी या नहीं। द्रौपदी हड़बड़ाकर बर्तन ले आई। उसके एक छोरे ने एक किनारे पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने उसे लेकर मुंह में डालते हुए मन में कहा, यह भोजन हो, इससे उनकी भूख मिट जाए। द्रौपदी यह देखकर सोचने लगी, कैसे हूँ मैं कि मैंने ठीक से बर्तन भी नहीं धोया, इसलिए उसमें लगा हुआ अन्न कण और साग वासुदेव को खाना पड़ा, साग यानी सब्जी। धिक्कार है मुझे इस। इस तरह द्रौपदी अपने आप को धिक्कार रही थी कि इतने में श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। देखो कि जब द्रौपदी इस तरह अपने आप को धिक्कार रही थी कि इतने में क्या हो गया, श्री कृष्ण ने बाहर जाकर भीमसेन को कहा, भीम जल्दी जाकर ऋषि दुर्वासा को शिष्यों समेत भोजन के लिए बुला लाओ। भीमसेन उस स्थान पर गया जहाँ दुर्वासा ऋषि शिष्यों समेत स्नान कर रहे थे। नज़दीक जाकर भीमसेन देखता क्या है कि दुर्वासा ऋषि का सारा शिष्य समुदाय स्नान करके भोजन भी कर चुका है। शिष्य दुर्वासा से कह रहे थे, गुरुदेव, युधिष्ठिर से हम व्यर्थ में कहा है कि भोजन तैयार करके रखें, हमारा तो पेट भरा हुआ है, हमसे उठा भी नहीं जाता, इस समय तो हमारी जरा भी खाने की इच्छा नहीं है। यह सुनकर दुर्वासा ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। यह कहकर ऋषि अपने शिष्यों सहित वहाँ से रवाना हो गए।